ग्राम संगठन का क्या अर्थ है, ग्राम संगठन क्यों बनाते हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा और यह क्या काम करेगा, यह ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में हैं। तो आज की वीडियो में आपको बता दें कि ग्राम संगठन ग्राम पंचायत स्तर पर बनाया जाता है और यह समूहों को जोड़कर ही बनाया जाता है। ग्राम संगठन का क्या अर्थ है, गाँव में अवस्थित आस पास कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 समूहों का वैसा संघ जो जुड़े हुए विभिन्न समूहों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है और उन समूहों के कामकाज, समस्याओं का समाधान, पूंजी संग्रह, गांव में अवस्थित संसाधनों का उपयोग व विकास योजनाओं को समूहों के सदस्यों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। तो यहाँ पर कम से कम 10 लिखा है, जबकि कम से कम 5 समूहों पर ग्राम संगठन बन जाता है। जो मोहल्ले टोले में समूह बने होते हैं, उन समूह कैसे एकजुट होकर अपने आप को सरकारी योजनाओं से जोड़ पाएंगे। समूहों के लिए एक मेन ऑफिस ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। तो ग्राम संगठन एक प्रकार से सभी समूहों का ऑफिस होता है। एक गांव में एक से अधिक ग्राम संगठन भी हो सकते हैं अगर समूह ज्यादा हो जाते हैं। तो ग्राम संगठन ऑफिस हो जाता है। अब समूहों को कोई भी कार्य होगा, कोई भी नौकरी के लिए आवेदन करना होगा या कोई योजना का लाभ लेना है, किसी प्रकार का कोई कार्य समूह से रिलेटेड है, तो वह अपने ग्राम संगठन में जाकर के ऑफिस में मिलकर ग्राम संगठन की पदाधिकारी से बात कर सकते हैं, कोई भी समूह की दीदी। तो ग्राम संगठन अलग से नहीं बनता है, जो समूह पहले से बने हैं उन्हीं समूहों को जोड़कर उन समूहों की पदाधिकारी को चुन करके ग्राम संगठन समिति का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, इससे समूह को क्या लाभ मिलता है, आइए हम आपको समझा देते हैं। देखिए दीदी, हम एक छोटी सी आपको कहानी के माध्यम से ग्राम संगठन के बारे में समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है और तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है और छोटी छोटी मछलियां हैं। तो क्या होता है कि छोटी छोटी मछलियां अच्छा खासा तालाब में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि बरसात के समय एक मगरमच्छ तालाब में आ जाता है। अब मगरमच्छ क्या करता है, देखता है छोटी छोटी मछलियां हैं तो वह बहुत खुश होता है कि हम इन मछलियों को खाएंगे और अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे। यह सोचकर वो हर रोज एक एक करके मछलियों को खाना शुरू कर देता है। यह देखकर सभी मछलियां बहुत भयभीत हो जाती हैं और सभी मछलियों ने मिलकर आपस में यह निश्चय करती हैं कि चलो भाई, हम लोग सब एक साथ रहेंगी और एक साथ मिलकर मगरमच्छ का खात्मा करेंगी। तो मछलियां जो हैं ऐसा सोच करके निर्णय कर लेती हैं और जैसे ही मगरमच्छ सारी मछलियों को खाने के लिए आता है, सब मछलियां एकजुट होकर एक विशाल जो है मछली का रूप बना लेती हैं। मगरमच्छ इतनी बड़ी मछली को देख करके डर जाता है और डर के भाग जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर हम एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, समूह में जुड़ जाएं, तो हम जब संगठित होंगे तो हम एकता के साथ मिल करके किसी भी मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं और हम जो है किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो ग्राम संगठन उनकी क्या क्या मदद करता है, ग्राम संगठन के क्या कार्य होते हैं समझिएगा। गरीबी हटाने और समूहों का विकास करने का एक मंच होता है ग्राम पंचायत स्तर पर। गाँव के सभी समूहों का द्विस्तरीय मंच है, यानी कि पहला मंच तो स्वयं समूह ही होते हैं, समूह की कोई दीदियाँ, उनको कोई समस्या अपने समूह की पदाधिकारी से कहेंगी और समूह की पदाधिकारी ग्राम पंचायत की पदाधिकारी से कहेंगी। ग्राम संगठन के सभी समूहों के लिए सूचना प्राप्त करने एवं प्रदान करने का मंच है। गांव में सभी समूहों के बीच एकता लाने वाला मंच है। समूह एवं समूह के सभी सदस्यों के विकास विषयक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग आदि कराने का भी एक मंच है। समूह के अच्छे तरीकों और अच्छे गुण को एक दूसरे से सीखने का मंच है। समस्याएं जो छोटे छोटे समूहों द्वारा नहीं सुलझ पाती, उन समस्याओं को सुलझाने का मंच है। अपने छोटे छोटे समूहों को आर्थिक विकास के लिए अन्य बाहरी वित्तीय संस्थाओं से संबंध स्थापित कर उनको पूंजी उपलब्ध कराने का मंच है। सरकारी और गैर सरकारी बैंक तथा प्रखंड स्तरीय फंडरेशन यानी कि CLF के साथ संबंध स्थापित कर समूहों को विकसित करने का मंच है। अपने छोटे छोटे समूहों के कामकाज को देखने और उनको मजबूती प्रदान करने का मंच है। सरकारी गैर सरकारी जीविका द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को समूह तक पहुंचाने का एक मंच है। इस प्रकार से ग्राम संगठन समूह
समूहों की देखरेख करना, समूहों की बैठक करवाना, समूहों को अच्छे प्रकार से संचालित करवाना, समूह में कोई समस्या होती उसको सुलझाने का काम, सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम, समूह को आगे बढ़ाने का जो मंच होता है वो ग्राम संगठन ही होता है। जिस प्रकार से गांव में कोई भी समस्या या कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आप प्रधान से जाके मिलते हैं, वैसे ही यदि आप समूह में जुड़ी हुई दीदी हैं, समूह में कोई प्रकार की समस्या है, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना है जो कि समूह से रिलेटेड है, तो आप समूह की प्रधान कौन होती है? ग्राम संगठन की अध्यक्ष। तो ग्राम संगठन की अध्यक्ष के पास जाएंगी समूह की कोई दीदी हो। तो ग्राम संगठन समूह के लिए एक कार्यालय है, एक ऑफिस है। यदि आपके गांव में ग्राम संगठन बन जाता है तो समूह को क्या क्या लाभ प्रदान करेगा? देखिए, एक ग्राम संगठन की क्या भूमिका रहती है कि ग्राम संगठन गांव के गरीब से गरीब परिवार को समूह से नहीं जुड़े हैं उनकी पहचान करके समूह में जोड़ने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी ग्राम संगठन की रहती है। गांव के गरीब परिवारों को समूह को ग्राम संगठन के साथ जोड़ना, पहले समूह में जोड़ना, फिर समूह को ग्राम संगठन में जोड़ना, उसके बाद सामाजिक संपत्ति सोशल कैपिटल को तैयार करना, जैसे कि जीविका मित्र, लेखपाल, जीविका जो सीआरपी आईसीआरपी होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षा कार्यकर्ता, कृषि कार्यकर्ता, मतलब के कैडर दीदियां, जैसे कि कृषि सखी, पशु सखी, जीविका सखी, समूह सखी, इन सब कैडर को तैयार करना, लेखपाल, बीके, ये सब कैडर तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर पर होती है जो कि ग्राम संगठन के माध्यम से होती है। इसके बाद ग्राम संगठन के सदस्य समूहों को क्षमता विकास के लिए समय समय पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन के लिए सामुदायिक समन्वय या जीविका मित्र की सहायता से जो उनको ट्रेनिंग आदि दिलवाना और उनको प्रशिक्षण के लिए तैयार करना, जैसे बीके का ट्रेनिंग हो गया और समूह सखी का ट्रेनिंग हो गया, इस तरीके से। ग्राम संगठन में जुड़े हुए समूहों का ग्रेडिंग करना, जैसे समूह ए ग्रेड में आ रहा है कि बी ग्रेड में कि सी ग्रेड में, क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से ही समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाता है। तो समूहों की ग्रेडिंग करना, समूह की क्षमता विकास करने के लिए प्रशिक्षण देना, ए ग्रेड में समूह को लाकर रखना, तो ए ग्रेड में समूह चले इसके लिए ग्राम संगठन कार्य करता है। प्रत्येक माह निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर कार्यकारी समिति की बैठक करना ताकि समूह की पदाधिकारी दीदी आए और उनको सरकारी योजनाएं और जो भी समूह में क्रियान्वयन हो रही है, क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसकी जानकारी से अवगत कराना। प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर आम निकाय यानी कि आम सभा करना, जिसमें समूह की सब दीदियों को बुलाना और सभी को जो है जानकारी देना। इसके अलावा है कि समूह के सदस्यों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन प्रखंड स्तरीय फेडरेशन से पूंजी जुटाने का भी काम करता है। बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर समूह के लिए पूंजी उपलब्ध करवाना तथा उनकी देखरेख करने का काम भी ग्राम संगठन करता है। गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, शिक्षा केंद्र, पंचायत, पशु चिकित्सालय, अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी सेवाओं को सदस्यों तक पहुँचाने में भी ग्राम संगठन मदद करता है। ग्राम संगठन की निधि जो कॉर्पस राशि होती है, कॉर्पस फंड होता है, उसको बढ़ाने के लिए सदस्य समूह की सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, मासिक बचत करवाना, ये सारे कार्य जो है ग्राम संगठन के जो है लिखापढ़ी में रहते हैं। प्रशासनिक और वित्तीय नियमावली तैयार करके ग्राम संगठन में लागू करवाना, सूक्ष्म ऋण योजना माइक्रो प्लान, माइक्रो क्रेडिट प्लान होता है, इसका प्रशिक्षण देकर उस तैयार करवाना, ग्राम संगठन की कार्यकारी समिति द्वारा उसका अनुमोदन करवाकर समूहों को पूंजी उपलब्ध कराना, जैसे कि आरएफ का फंड, सीआईएफ का फंड, ये सब जो फंड दिलवाने का काम ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों के लिए करवाया जाता है। समूह द्वारा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, समस्याओं का निदान करना, उनका रास्ता ढूंढना, सामाजिक समस्याओं में जैसे कि बाल विवाह, अशिक्षा, नशाखोरी, स्वास्थ्य समस्या, बाल मजदूरी, ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास योजना इत्यादि की जानकारी देकर उनको उपलब्ध कराने हेतु समन्वय करके समूह को उसका लाभ दिलवाने में मदद करना। जीविका परियोजना द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों जैसे खाद्य सुरक्षा, श्री विधि, सहभागी किस्म चयन कार्यक्रम, पीवीएसपी, मत्स्य पालन विभाग, जॉब्स कैंपियन, स्वास्थ्य निधि, दुग्ध व्यवसाय इत्यादि समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराने का काम यानी कि रोजगार से जोड़ने का कार्य भी ग्राम संगठन के माध्यम से करवाया जाता है। जीविका मित्र यानी कि सीएम को चयनित करके उनके कार्यों जैसे ग्राम संगठन की किताबों का लेखा जोखा करना, समूह को ट्रेनिंग देना, समूह की देखरेख करना, इन सभी कार्यों को मूल्यांकित कर जीविका मित्र का मानदेय तय करना, ये सारा काम ग्राम संगठन का रहता है।
ग्राम संगठन में आवश्यकता अनुसार उप समितियों का भी गठन किया जाता है, जैसे सामाजिक उप समिति, सामाजिक अंकेक्षण उप समिति, बैंक जुड़ाव यानी बैंक लिंकेज समिति, खाद्य सुरक्षा समिति, खरीदारी समिति, ऐसी कई जो है उप समितियां बनाई जाती है, इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और ये जो है ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित होकर कार्य करती है। इन सभी समिति की बैठक की जाती है तो इन सभी के गठन, इन सबके कार्यों का मूल्यांकन, इन सब का जो है कार्य ग्राम संगठन ही देखता है। यदि आपको उप समितियों के बारे में जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। प्रखंड स्तरीय संघ की यानी कि CLF की मासिक बैठक में अपने ग्राम संगठन के प्रतिनिधित्व मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को भाग लेने के लिए भेजना, यानी एक ग्राम संगठन जो होता है वो अपनी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को CLF में प्रखंड स्तर पर भेजता है जहां पर बैठक होती है, क्योंकि ग्राम संगठन से बड़ा VO से बड़ा CLF संकुल स्तरीय संघ होता है। तो संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन की मदद करता है और ग्राम संगठन समूह की मदद करता है, तो समूह अपनी बात ग्राम संगठन से कहता है, ग्राम संगठन का ऑफिस CLF होता है तो ग्राम संगठन CLF से जाकर अपनी बात कहता है और इसको कहने के लिए ग्राम संगठन की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष CLF की बैठक में जाती हैं। ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक खरीदारी केंद्र तैयार कर सामूहिक खरीदारी तथा बाजार से जुड़ाव करके बिचौलियों के शोषण से मुक्त करवाना, जैसे कम मूल्य, कम वजन इत्यादि, कमजोर लोग जैसे असहाय व्यक्ति, विधवा, वृद्ध एवं विकलांग इत्यादि व्यक्ति को सरकारी योजना इनकी सेवाओं की सहायता उपलब्ध कराने का काम भी ग्राम संगठन का रहता है। तो इतना सब कार्य ग्राम संगठन की जिम्मेदारी होता है। इस कार्य को ग्राम संगठन से कौन करवाता है, तो ग्राम संगठन से सारे कार्य जो करवाए जाते हैं वो CLF के माध्यम से करवाए जाते हैं, यानी CLF ग्राम संगठन को जिम्मा देता है कि आपको ये सारे कार्य करने हैं समूहों के लिए। तो CLF को कौन जिम्मा देता है, CLF को ब्लॉक स्तर से जिम्मेदारी दी जाती है। ब्लॉक स्तर पर NRLM का ऑफिस होता है, BMMU की टीम होती है, BMM होते हैं, BMM CLF को पूरा ब्यौरा देते हैं और ब्यौरा लेते हैं और CLF ग्राम संगठन को देता है पूरा ब्यौरा और उनसे ब्यौरा लेता है। ग्राम संगठन समूहों के लिए कार्य करते हैं। ब्लॉक से ऊपर जिला होता है, जिले से ऊपर राज्य होता है, राज्य स्तर पर। इस प्रकार से एक चेन बनी हुई है कि ऊपर से लेकर नीचे इकाई तक, समूह तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया कि समूह जो है उसका ऑफिस ग्राम स्तर पर अगर देखा जाए तो ग्राम संगठन होता है। ऐसा नहीं कि समूह का ऑफिस केवल ग्राम संगठन है, समूह का ऑफिस ब्लॉक पर भी है, NRLM ऑफिस भी है। लेकिन यदि कोई दीदी इतनी दूर ब्लॉक पर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, इतना बड़ा ग्राम पंचायत होता है, बहुत सारे समूह होते हैं, तो वो अपनी समस्या या अपनी कोई भी बात को लेकर के अपनी पंचायत के ग्राम संगठन में जाएगी और ग्राम संगठन संकुल संघ में जाएंगी बात लेकर के और संकुल संघ ब्लॉक में जाएंगे बात को लेकर के। अगर आपकी बात ग्राम संगठन संकुल से नहीं बनती तो आप ब्लॉक स्तर पर भी जा सकती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ग्राम संगठन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अधिक जानकारी अगर आपको समूह, ग्राम संगठन, CLF की चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।